हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे फॉर द अपकमिंग सेट एग्जाम एज वेल एज फॉर द नेट एग्जाम्स। ओके, तो चलिए आज क्वेश्चन ऑफ द डे में पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ये रहा, लिस्ट वन को आपको लिस्ट टू के साथ मैच करना है। जैसे लिस्ट वन में दिया है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, उज्जैन, विक्रमशिला और मान्य कथा, और लिस्ट में दिया है तांत्रिक टीचिंग, दैवीय स्कूल ऑफ टीचिंग, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी। मतलब ये क्वेश्चंस बेसिकली पूछा है कि ये जो एंशिएंट यूनिवर्सिटीज हैं किसके लिए फेमस हैं। तो याद रखिए, जो तक्षशिला यूनिवर्सिटीज है वो किसके लिए फेमस है? मेडिसिन के लिए फेमस है। ओके, तो ए का हो गया थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। उज्जैन जो उज्जैन किसके लिए फेमस था? उज्जैन फेमस था एस्ट्रोनॉमी के लिए, याद रखिए। विक्रमशिला किसके लिए फेमस था? तांत्रिक टीचिंग के लिए फेमस था, जिसे हम वज्रयाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म भी बोलते हैं। वी से विक्रमशिला, वी से वज्रयाना, वज्रयाना काले जादू ब्लैक मैजिक के ऊपर बिलीव करते थे। और मान्य कथा ये है दैवीय स्कूल ऑफ थॉट्स, दैवीय स्कूल ऑफ थॉट, आदि शंकराचार्य के थॉट्स उनके फिलोसॉफी के ऊपर बेस्ड था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए, जो अभी जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है ये अभी सिचुएटेड कहाँ पे है? ये अभी इसका सिचुएटेड या पाकिस्तान में सिचुएटेड है, इसका खंडर पाकिस्तान में सिचुएटेड है। ये एक एंशियंट यूनिवर्सिटी है, ये याद रखना है आपको। ये क्या है? एंशियंट यूनिवर्सिटी है। ओके, कौन से नदी के किनारे सिचुएटेड था? नियर द बैंक ऑफ इंडस, नियर द बैंक ऑफ इंडस, इंडस नदी के किनारे ये सिचुएटेड है। ओके, और इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया था, ये भी आपको याद रखना है। 1980 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। क्लियर है? द वेब पोर्टल ऑफ स्वयं प्रभा इज मेंटेन्ड बाय, जो स्वयं प्रभा का जो वेबसाइट है, जो वेब पोर्टल है, उसको कौन मेंटेन करता है? ये क्वेश्चन आपको पूछा था। दूरदर्शन, गूगल इंडिया ऑफिस, IIT खड़गपुर या फिर इन्फिनिट सेंटर। ओके, तो देखिए, याद रखिए, जो वेब पोर्टल होता है स्वयं प्रभा का, उसको मेंटेन कौन करता है? इन्फ्लिपनेट सेंटर उसे मेंटेन करता है। कौन मेंटेन करता है? इन्फ्लिपनेट सेंटर इसको मेंटेन करता है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है आपको। क्या है इसका फुल फॉर्म? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इन्फ्लिपनेट सेंटर, इन्फ्लिपनेट का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आपको याद रखना है। दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम क्या है? जिसका काम यह है कि ये फैसिलिटेट करता है लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस एजुकेशन के फील्ड के लिए। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस मिल जाते हैं, लाइब्रेरीज मिल जाते हैं। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? गांधीनगर गुजरात में सिचुएटेड है। इसका प्रीमाइसिस कहाँ पे सिचुएटेड है? गुजरात गांधीनगर में सिचुएटेड है। इसको स्टार्ट कब किया गया था? मार्च 1991 में स्टार्ट किया गया था। कौन से प्रोजेक्ट के अंडर? IUC इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर, याद रखिए। ओके, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा है लिस्ट वन को आपको लिस्ट टू के साथ मैच करना है। लिस्ट वन में कंटेंट एरिया दिया है। ओके, और उनका रिलेशन, इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस के बारे में उनको बताना है। तो सबसे पहले दिया है NIEPA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये किसके ऊपर फोकस करता है? प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्लानिंग और प्लानिंग के साथ साथ एजुकेशन को मैनेज करना। तो ए का हो गया थर्ड, ए का हो गया थर्ड, मतलब ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, आइदर ये होगा या फिर ये होगा। फिर आता है आपका NAAC, NAAC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। NAAC का फुल फॉर्म याद रखिए, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल है। इसका काम क्या है? हायर एजुकेशन बॉडीज को एक्रीडेट करता है, रैंकिंग करता है। ओके, फिर AICTE, इसका फुल फॉर्म याद रखना है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ये किसके ऊपर फोकस होता है? टेक्निकल एप्लीकेशन के ऊपर। तो सी का हो गया वन। फिर आता है ICSSR, ICSSR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च। तो ये किसके ऊपर फोकस करता है? आपका सोशल साइंस के फील्ड के ऊपर फोकस करता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर वन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? फिर आपको बताना है की ऑब्जेक्टिव ऑफ रूसा, रूसा का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इसका फुल फॉर्म है, याद रखिए। इसके तीन कार्डिनल प्रिंसिपल होते हैं, थ्री
थ्री कार्डिनल प्रिंसिपल्स आर देयर एंड व्हाट आर द थ्री कार्डिनल प्रिंसिपल्स. तीन कार्डिनल प्रिंसिपल इसके क्या है, एक है एसेसिबिलिटी, एसेस इक्विटी और उसके साथ साथ क्वालिटी. तो आपको याद रखना है ए ई क्यू से आप याद रख सकते हैं एसेसिबिलिटी इक्विटी एंड क्वालिटी. तो ए बी सी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. रूसा जो था ये आया कब था, ये आया था 2013 में, ये भी आपको याद रखना है. और ये किसके ऊपर फोकस करता है, ये हायर एजुकेशन के ऊपर यहां पे ये फोकस करता है, ये भी आपको याद रखना है. क्लियर है, ओके. तो इसके तीन की ऑब्जेक्टिव रूसा के क्या है, एसेसिबिलिटी इक्विटी एंड क्वालिटी, ए ई क्यू से आप याद रख सकते हैं, ओके. और ये फोकस किसके ऊपर करता है, डेवलपमेंट, यहां से याद रखिए डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन कहां पे, स्टेट लेवल में, स्टेट लेवल के ऊपर ये फोकस करता है, किस तरीके से स्टेट लेवल में हम एजुकेशन को डेवलप करेंगे उसके ऊपर ये कंप्लीट फोकस करता है, डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एट द स्टेट लेवल. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहां पे आपको कि जो यूनिवर्सिटीज है एंशियंट पीरियड में किनको किनको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है. तो तक्षशिला एंड नालंदा यूनिवर्सिटीज, ओके, तक्षशिला एंड नालंदा यूनिवर्सिटीज को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है. तक्षशिला को 1980 में और नालंदा को कब डिक्लेयर किया गया था, 2016 में डिक्लेयर किया गया था. तो डी एंड ई विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्या होगा इसका राइट आंसर, डी और ई. तो ये दो एंशियंट यूनिवर्सिटीज हैं जिनको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था, ओके. अब देखिए यहां पे मैं थोड़ा और भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. जो मिथिला यूनिवर्सिटीज हैं यहां पे बेसिकली ये यहां पे ब्राह्मणिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, ब्राह्मणिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बल्लभी में, भाई से याद रखे हिनायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ये बुद्धिस्ट एजुकेशन के ऊपर फोकस हो रहा था हिनायाना. पुष्पागिरी, पुष्पागिरी भी एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री था, ओके. तक्षशिला यूनिवर्सिटीज बेसिकली फेमस किसके लिए था, मेडिसिन के लिए फेमस था तक्षशिला यूनिवर्सिटीज. और नालंदा यूनिवर्सिटीज किसके लिए फेमस था, महायाना, महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म के लिए फेमस था. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी एंड ई विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अब देखिए नालंदा यूनिवर्सिटीज, ओके, ये कब फ्लोरिश किया था, 5 से लेकर 6 सेंचुरी, किसके साम्राज्य के टाइम में, गुप्ता एम्पायर उस समय राज कर रहे थे. इसे किसने बनाया था, कुमार गुप्ता ने बनाया था, ओके, कुमार गुप्ता ने इसे बनाया था. और ये सिचुएटेड कहां पे है, पटना, अभी के टाइम में पटना में सिचुएटेड है. अब इसका संबंध किसके साथ है, नमा या फिर माना से याद रखो, महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म के साथ ये लिंक है. इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था 12वीं शताब्दी में, किसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया था, बख्तियार खिलजी के द्वारा डिस्ट्रॉय किया था. फेमस किसके लिए था, बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए, ये भी याद रखिए फेमस किसके लिए था, बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए फेमस था. और जो कुलपति होते थे, जो चांसलर्स होते थे, उनका नाम क्या है, शीलभद्र, ये भी याद रखिए शीलभद्र को कुलपति चांसलर बोला जाता था. और द्वार पांडी हुआ करता था जो कि किसका इंचार्ज था, एडमिशंस का इंचार्ज था. 20 साल की उम्र में यहाँ पे एडमिशन मिलता था, 20 ईयर्स ऑफ एज. और इसका बड़ा सा लाइब्रेरी का नाम क्या था, धर्मा गुंज या फिर धर्मा गंजा भी बोला जाता है. वैन जैंग जो था चाइनीज स्कॉलर, यहाँ पे वो आया था पढ़ने के लिए 7वीं शताब्दी में, बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में इसे डिस्ट्रॉय कर दिया. यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2016 में दिया था. फिर उसके बाद तक्षशिला यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद तक्षशिला यूनिवर्सिटीज. तो याद रखिए तक्षशिला यूनिवर्सिटीज दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, ये आपको याद रखना है. यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया था, 1980 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था. यह अभी सिचुएटेड कहां पे है, रावलपिंडी पाकिस्तान में सिचुएटेड है. इसे डिस्ट्रॉय कब किया गया था, 5वीं शताब्दी में इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था. यहां पे कोई एग्जाम सिस्टम नहीं होते थे, ओके. इसे भारत का इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी बोला जाता था, इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ इंडिया. फ्लरिश किया था 600 BC से लेकर 500 AD तक ये फ्लरिश किया था. यहां पे स्कॉलर्स कोटलिया, चरक, पाणिनि, विष्णु शर्मा यहीं पे पढ़ाते थे और पढ़ते भी थे. एंट्री एज यहाँ पे कितना था, 16 इयर्स ऑफ एज में एंट्री मिलता था. इसका मेंशंस कहाँ पे है, इसके बारे में कहाँ पे जिक्र है, बुद्धिस्ट के जातका टेल्स में. गंधार किंगडम में सिचुएटेड है, प्रिंस भरत ने इसे फाउंड आउट किया था. 68 सब्जेक्ट्स के ऊपर पढ़ाया जाता था. ग्रीस कल्चर से भी इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है, ग्रीस कल्चर से भी इन्फ्लुएंस है. और ये फेमस किसके लिए था, मेडिसिन के लिए ये बहुत ही ज्यादा फेमस था, ओके. तो ये हो गया आपका तक्षशिला एंड नालंदा यूनिवर्सिटीज.
फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन किसने दिया था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन राधाकृष्णन कमीशन, तो एक हो गया टू। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को मुदालियर कमीशन भी बोलता है। एजुकेशन कमीशन को हम किसने दिया था, डीएस कोठारी चेयरपर्सन थे, और नेशनल नॉलेज कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे, डॉक्टर सैम पित्रोदा। तो ऑप्शन नंबर टू विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेन थ्रस्ट ऑफ एनईपी 2020 रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग एंड कॉन्सोलिडेशन। ओके, तो देखिए यहां पे 2020 एनईपी, ओके, अ रिजिड सेपरेशन ऑफ डिसिप्लिन विद अर्ली स्पेशलाइजेशन स्ट्रीमिंग ऑफ सब्जेक्ट इनटू नैरो एरिया ऑफ स्टडी, ओके, डेवलपिंग स्पेक्ट्रम ऑफ इंस्टीट्यूशन विद फोकस ऑन रिसर्च ओनली, रिसर्च के ऊपर सिर्फ और सिर्फ फोकस नहीं करना है। तो बी को आप एलिमिनेट कर सकते हो यहां से ये हो गए या फिर ये होंगे, तो डी ई यहां पे भी है, यहां पे भी है, मतलब डी भी आएगा और ई भी आएगा। ओके, अब देखो ए और सी, एक रिजिड सेपरेशन ऑफ डिसिप्लिन, ओके, नैरो एरिया, नैरो एरिया ऑफ स्टडी, ये एक नेगेटिव टर्म है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो ए को भी हमने एलिमिनेट कर दिया। तो सी डी ई, एक स्टेज वाइज मैकेनिज्म हम एस्टेब्लिश करेंगे जहां पे ऑटोनॉमी मिलेगा कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को, एक वाइब्रेंट कम्युनिटी ऑफ स्कॉलर्स को डेवलप करेंगे, ओके, और उसके साथ साथ जो बिखरापन है, जो फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन एक नेगेटिव टर्म है, उसको भी हमें एंड करना है, और उसके साथ साथ बहुत सारे मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स पोजेस चैलेंज फॉर हायर एजुकेशन सिस्टम एज पर एनईपी 2020। ओके, अब चैलेंजेस के बारे में बताना है। लार्ज एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज, अब देखो इनइफेक्टिव रेगुलेटरी सिस्टम, लिमिटेड टीचर्स एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, एम्फसाइज ऑन रिसर्च, ओके, एफिशिएंट मेरिट बेस्ड करियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ फैकल्टी मेंबर्स। तो आपको बताना क्या है, इन इन पांच में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि चैलेंज होगा हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए। देखो एम्फसाइज ऑन रिसर्च, आप रिसर्च के ऊपर फोकस कर रहे हो, ये तो एक अच्छी बात है, तो डी को आप एलिमिनेट कीजिए, डी एलिमिनेट। ओके, फिर देखिए यहाँ पे बी सी कॉमन है, अगर आपका रेगुलेटरी सिस्टम इनइफेक्टिव है और उसके साथ साथ आपके पास इतने ज्यादा टीचर्स नहीं है, इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी नहीं मिल रहा है। ए और डी को देखो, एम्फसाइज ऑन रिसर्च या फिर लार्ज एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज, तो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज को हटाने की बात की गई है एनईपी 2020 में, ओके, बट रिसर्च फोकस कर रहे हो, तो रिसर्च तो अच्छी बात है ना, तो ए बी सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशंस। अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सेट को प्रिपेयर कर रहे हैं, पेपर वन को टारगेट कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड कोर्सेस अवेलेबल है। रिकॉर्डेड कोर्सेज के साथ साथ आपके लिए लाइव कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो रिकॉर्डेड एंड लाइव कोर्सेज में आपको पेपर वन, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, ओके, तो ये सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, आपको विजिट करना है www.ifsonline.com में, और वहां पे आप अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए, एंड डेफिनेटली आप सबका एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर होगा। ओके, तो फिर मुलाकात होगी विद सम न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।